नमस्कार दोस्तों, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जा सकेगा। जी हाँ, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 को गवर्नमेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। लोकसभा में इसे पास किया गया था। ये जो बिल है, इसके ज़रिए डुप्लीकेसी जो है उसे हटाने में मदद मिलेगी। साथ में इलेक्ट्रल जो इश्यूज होते थे, जो भी मॉल प्रैक्टिसेस होती थी, वो रिड्यूस किए जा सकेंगे। और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो होते थे एक ही वोटर के अलग अलग जगह पे, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा इसके ज़रिए। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इस बिल को अपोज़ भी किया था, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो सकती है। दरअसल में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उनकी जो नेम है मल्टीपल प्लेसेस पर अपीयर होते हैं इलेक्ट्रल रोल में। इसको स्टॉप किया जा सकेगा इसके ज़रिए। इवन दो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑप्शन कहा गया, पर जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, आधार आईडी कहीं कहीं पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। धन्यवाद।